अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे, सभी लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, ठीक है, इधर कंडक्ट होने हैं सभी स्टूडेंट के, तो कोई भी स्टूडेंट किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पा रहा है, ये मैं जान सकता हूँ, क्योंकि इधर SSC के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर में, एंड देन सबके साथ साथ IBPS के भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, क्लियर, एंड देन UP SSC जूनियर असिस्टेंट के भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, एंड देन अलग अलग राज्यों में सभी के एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट होने हैं। तो सभी स्टूडेंट लगभग सभी एग्ज़ामों में लगे होंगे कंटिन्यू। देखिए कंटिन्यू आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, जितना भी सिलेबस है आप उसे कवर करते रहिए, क्लियर। चलिए आज की क्लास में हम लोग ऑडिटिंग, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका सिलेबस में है एग्ज़ाम के, ऑडिटिंग से आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऑडिट से आपके बहुत सारे ऑडिट सब्जेक्ट से आपके बहुत सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है, आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है, क्लियर। जैसे मैं अगर ऑडिट से बात करूँ तो आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, लाइक जैसे व्हाट इज़ ऑडिट, ऑडिट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मतलब काइंड्स ऑफ ऑडिट, एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, ये आपके सिलेबस में है, एंड ओवरव्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये भी आपका है, ठीक है, एंड वाउचिंग आपके सिलेबस में है, वाउचिंग के साथ साथ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये भी आपके सिलेबस में है। तो बहुत सारे चैप्टर जो हैं आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है, कंप्लीट सिलेबस पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आज हम लोग ऑडिट से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। MCQ मैं नहीं कहूँगा इसे, मैं वन लाइनर क्वेश्चन कहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऑडिट से जितने भी क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ाम में आते रहते हैं उनको मैं आज पूरी तरीके से डिस्कस करूँगा आप सभी स्टूडेंट से। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्लियर। देन जितने भी स्टूडेंट हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं, आप हमारे पेड बैच से ज़रूर जुड़िए। पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आप पूरी तरीके से हमारे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। आप पेड बैच में, अगर अभी समय दो पेड बैच चल रहा है पूरी तरीके से, एक चल रहा है एकलव्य मॉडल का, अकाउंटेंट का चल रहा है, EMRS अकाउंटेंट, इसका पूरा पेड बैच चल रहा है, किसी क्लासेस पूरी रन कर रही हैं, एंड सेकंड UP SSC ऑडिटर्स का चल रहा है, क्लियर, इसकी पूरी क्लासेस कंडक्ट हो रही है। आपकी जो पेड बैच के रिगार्डिंग मैं जानकारी दे दूँ, पेड बैच की क्लासेस मंडे टू सैटरडे पूरी क्लासेस होती हैं, बायलिंगुअल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों स्टूडेंट इस पेड बैच को बाय कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आफ्टर क्लास के बाद आपको PPT फॉर्मेट में A3 A4 साइज में पूरी तरीके से नोट्स वगैरह, आपको कंप्यूटराइज नोट्स आपको पूरा मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, आफ्टर क्लास के बाद PDF फॉर्मेट में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, एंड इन सबके साथ साथ इस पेड बैच में आपको मॉक टेस्ट वगैरह ये सब भी आपको पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे अकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, क्लियर। चलिए आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं पूरी। टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑडिट इंक्लूड, लागत अंकेक्षण में शामिल है, मतलब कॉस्ट ऑडिट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहती हैं, क्लियर। तो कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट से ही आप समझ लीजिए, लागत मतलब मूल्य, क्लियर, मतलब कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट में आपकी कौन कौन सी ऑडिट मीन मतलब कॉस्ट ऑडिट में आप यही समझिए, आपके अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी फर्म है, अगर वो अपने आप प्रोडक्शन करती है तो जितना भी, ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर उसकी सेलिंग तक पूरी तरीके से जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी मदे होती हैं, उन सभी का पूरी तरीके से ऑडिट किया जाता है, क्लियर, उन सभी का ऑडिट वर्क किया जाता है, सभी का, लाइक बंद कर, जैसे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक जैसे मैं बात करूँ ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मतलब स्टोर और अतिरिक्त पूंजी का अंकेक्षण, जितने भी कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल रहता है और उसको रॉ मटेरियल के साथ साथ, ठीक है, जितने भी अतिरिक्त चीज़ें जो यूज़ में लगती हैं बनाने के लिए किसी प्रोडक्ट को, उन सबका ऑडिट किया जाता है कॉस्ट ऑडिट में, क्लियर, एंड ऑडिट ऑफ मटेरियल लेबर एक्सपेंडिचर का पूरा ऑडिट किया जाता है, एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक इन प्रोग्रेस, चालू माल का भी अंकेक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपकी पूरी चीज़ें किस में शामिल होती हैं, कॉस्ट ऑफ ऑडिट में पूरी तरीके से इंक्लूड होती हैं, क्लियर। एंड देन यहाँ पे बात, सेकंड क्वेश्चन इज चिट्ठा अंकेक्षण से आशय क्या है, बैलेंस शीट ऑडिट मीन, बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस शीट का हम ऑडिट क्यों करते हैं, क्लियर, ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, जितने भी बैलेंस शीट में जितने भी टर्म्स होते हैं उन्हीं का ही अंकेक्षण करना, उन्हीं का ही ऑडिट करना बैलेंस शीट ऑडिट होता है, ठीक है।
इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप जान लीजिए बैलेंस शीट आपका होता क्या है, क्लियर। मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ कैसे। बैलेंस शीट वैसे आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में, आप सभी लोग जितने भी लोगों ने बीकॉम किया हुआ है, आप सभी लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने बैलेंस शीट पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। बैलेंस शीट ऐसे पूरा आपका रहता है, इधर आपकी पूरी लायबिलिटी साइड रहती है, लेफ्ट साइड जितने भी आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो आपकी लायबिलिटी में पूरी, ये पूरे टर्म्स आपके लायबिलिटी साइड में शो की जाती है। एंड जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स टर्म्स जितने भी होते हैं, आइटम्स वगैरह होते हैं, वो आपके राइट साइड में एसेट्स आइटम पूरी तरीके से लिखे जाते हैं, क्लियर। तो इन सभी का पूरा ऑडिट, मतलब पूरी तरीके से जितनी लायबिलिटी, एक कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है वो पूरे वर्ष के अंतिम दिन पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सबसे लास्ट दिन, मतलब अंतिम दिन पूरी तरीके से बनाया जाता है। जैसे बहुत सारी कंपनियां 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फॉलो करती हैं फाइनेंशियल, अपने फाइनेंशियल, अपना फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उनका जो पूरा साल भर जितना भी बिजनेस उनका होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, सभी अकाउंट्स वो तैयार करते हैं। लाइक जैसे मैं बात करूँ, कोई भी मतलब बिजनेसमैन है, तो कोई भी कंपनी है, ठीक है, जितना भी वो बिजनेस कर रही है, क्लियर, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, सबसे पहले उसे जनरल में एंट्री करवाती है, ठीक है। जनरल में एंट्री करवाने के बाद कैश बुक, सब्सिडी बुक, इन सभी में पोस्टिंग वगैरह, एंट्री वगैरह होता है, सभी बुक्स प्रिपेयर किए जाते हैं। देन इन सभी बुक्स के बेस पे लेजर में सभी जितने भी अकाउंट होते हैं, सभी का लेजर में अकाउंट ओपन किया जाता है, सभी बुक्स का, अलग अलग बुक्स का, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जितने भी बुक्स होते हैं, इन सभी का लेजर में अकाउंट ओपन किया जाता है। एंड देन लेजर के बाद इसको ट्रायल बैलेंस में पूरी तरीके से, इसको पूरी तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी मिस्टेक वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सब ट्रायल बैलेंस में क्लियर हो जाती हैं। देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया जाता है इन्हीं सब मतलब अकाउंट्स का। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन किया जाता है, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी पूरी तरीके से इन्हीं टर्म्स को ले जाकर वहाँ पे पूरी तरीके से अकाउंट ओपन किया जाता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपन करने से पूरी तरीके से कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, ये पूरा क्लियर हो जाता है। एंड देन इन सभी डेटा के बेस से आपका फाइनल अकाउंट पूरा तैयार होता है। फाइनल अकाउंट मतलब हम कह सकते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पूरा क्लियर हो जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी क्या घाटे में जा रही है या फायदे में है। अगर लायबिलिटी साइड एसेट से ज़्यादा होती है तो कंपनी को नेट लॉस हो रहा है, ठीक है। जितनी भी कंपनी का मतलब लायबिलिटी मतलब दायित्व है, लोगों को पैसे देने हैं, और संपत्ति कम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी नेट लॉस में जाएगी। अगर एसेट साइड ज़्यादा है लॉस से, तो कंपनी फायदे में है, संपत्तियां कंपनी के पास ज़्यादा है, दायित्व कम है, तो कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट में पूरी रहती है, क्लियर। तो इन्हीं सब टर्म्स का जो ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर करता है, ठीक है। ऑडिटर बैलेंस कंपनी में जब ऑडिट करने के लिए जाता है, तो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉई होते हैं, जितने भी ओनर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी से बैलेंस शीट की डिमांड करता है। बैलेंस शीट और जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं, जैसे वाउचर हो गया, जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, लेजर हो गया, सभी चीज़ों को वो वेरीफाई करता है, सभी बुक्स को वेरीफाई करता है, एंड बैलेंस शीट को पूरी वेरीफाई करता है। हर एक आइटम्स टर्म्स को वो पूरी तरीके से वेरीफिकेशन करता है एंड वैल्यूएशन करता है, चाहे लायबिलिटी हो, एसेट्स हो, ठीक है। यही आपका होता है बैलेंस शीट ऑडिट। डाउट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक रिटर्न प्लान कंटेनिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड, एक लिखित योजना जिसमें अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब ऑडिट पूरी तरीके से ऑडिटिंग करने के लिए अपना जो प्लान डिसाइड करता है, ठीक है, अपना प्लान डिसाइड करने के बाद एक योजना जो बनाता है, ठीक है, उसे ही अंकेक्षण कार्यक्रम मतलब ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, क्लियर। ये पूरी तरीके से रिटर्न फॉर्म में वो पूरा तैयार करता है, ठीक है, इसे ही हम पूरी तरीके से ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, क्लियर। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन ऑन नॉट अपॉइंटिंग एन ऑडिटर बाई द एनुअल मीटिंग फेल्योर टू गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिजल्ट इन फाइन। मतलब पूरी तरीके से अगर एक कंपनी है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, अगर वो अपने यहाँ मतलब एनुअल मीटिंग आयोजित कर रही है, ठीक है, एनुअल मीटिंग, और एनुअल मीटिंग में पूरी तरीके से वार्षिक सभा द्वारा, ठीक है, पूरी तरीके से एनुअल मीटिंग में मतलब एनुअल मीटिंग द्वारा पूरी तरीके से अंकेक्षण मतलब ऑडिट को पूरी तरीके से नियुक्त ना करने पर, मतलब मीटिंग हो रही है एनुअल मीटिंग, उसमें कोई भी ऑडिटर्स नहीं है, उनको अपॉइंट नहीं किया गया उस मीटिंग में, और उनकी उसकी सूचना केंद्र सरकार को ना देने पर कितने रुपए का जुर्माना लग सकता है, कितने रुपए का पूरी तरीके से फाइन लग सकता है, अगर वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सूचना नहीं दी है कि हमारे वार्षिक सभा में जो है कोई भी ऑडिटर नहीं है, तो 500 रुपए का ये पूरी तरीके से जुर्माना लगता है, क्लियर। इसे लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा
कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा सेवानिवृत्त अंकेक्षक स्वतः ही, ठीक है, एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस द रिटायरमेंट ऑडिटर ऑटोमेटिकली, ठीक है, मतलब अंकेक्षक सेवानिवृत्त तो पूरी तरीके से सर्विस से वो फ्री हो जाता है, रिटायर हो जाता है, लेकिन स्वतः ही वो पूरी तरीके से पुनर्नियुक्त भी हो जाता है, गेट री असाइन भी हो जाता है, क्लियर। कुछ विशिष्ट मामलों में कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा ऑडिटर्स होता है उसका पूरा अगर सेवा काल पूरा समाप्त हो गया, ऑडिटर आपके थ्री टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक गवर्नमेंट ऑडिटर होता है। इंटरनल ऑडिटर कंपनी के ही ऑडिटर होते हैं जो कंपनी के लेखा जोखा मतलब जितनी भी अकाउंट होते हैं उनको वेरीफाई और वेरीफिकेशन करता है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सबसे पहले ऑडिटर जो आपके होते हैं वो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्सटर्नल वाला क्या होता है, कंपनी में बाहर से अपॉइंट किया जाता है, क्लियर, सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है। गवर्नमेंट ऑडिट सरकार उनको नियुक्त करती है, और गवर्नमेंट ऑडिट का वर्क क्या रहता है, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, ठीक है, जितने भी प्लान्स वगैरह होते हैं, जैसे मैं एक नाम लूंगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन कल्याण योजना, इन सभी योजनाओं में पूरी तरीके से अपना वर्क करते हैं, क्लियर। तो इन सभी मामलों में मैं ये ऑडिटर का मैं बता रहा था, इतने टाइप के ऑडिटर होते हैं। अब कुछ मामलों में अंकेक्षक पुनः नियुक्त हो जाता है, मतलब कुछ मामलों में रिटायर हो जाता है, कुछ मामलों में इन्हें इनके वर्क को देखकर, इनकी मतलब पूरे साल भर इन्होंने जैसा वर्क किया, जैसा रिपोर्ट दिया है कंपनी के लिए, इन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज अंकेक्षक, ठीक है, इन एडिशन टू द रिजाइनेशन ऑफ द ऑडिटर द कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग टू द अदर सर्कमस्टेंसेस कैन बी फाइल्ड, मतलब अंकेक्षक के त्याग पत्र देने के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में आकस्मिकता रिक्त पूर्ति की जा सकती है, क्लियर। अगर ऑडिटर ने मान लीजिए किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया, तो अदर कंडीशन में जितनी भी चीजें हैं, ऑडिटर की जगह पे कौन आएगा, कैसे वर्क होगा, तो ये साधारण सभा द्वारा या अंशधारी द्वारा, भाई जनरल मीटिंग या शेयर होल्डर्स द्वारा पूरी तरीके से इसकी पूर्ति की जा सकती है, क्लियर। मतलब ऑडिटर अपना वर्क क्या करता है, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, बैलेंस शीट हो गया, बुक्स हो गया, वाउचर हो गया, उन्हीं के बेस में कंपनी के पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को, ठीक है, वेरीफाई और वेरिफिकेशन वैल्यूएशन करके ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो ये पूरी तरीके से जनरल मीटिंग और शेयर होल्डर्स द्वारा ये पूरा किया जा सकता है, क्लियर। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनगोइंग, ठीक है, ongoing audit mean, मतलब चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है, चालू अंकेक्षण, audit before preparation of the final account, अंतिम खाते बनाने से पूर्व अंकेक्षण। देखिए चालू अंकेक्षण मतलब ongoing audit mean होता क्या है, मैंने आप सभी को पेड बैच में पढ़ाया हुआ है, सभी स्टूडेंट को पेड बैच में पढ़ाया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से ज्वाइन है, आपके ऑडिट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चालू अंकेक्षण कहते हैं, क्लियर, चालू अंकेक्षण जिसे कहते हैं। एक एनुअल ऑडिट होता है जो साल भर पे पूरी तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो चालू अंकेक्षण के बारे में आपको बता दूं, ऑन गोइंग ऑडिट के बारे में या कॉन्टिन्यूस ऑडिट के बारे में, क्लियर। देखिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट पूरी तरीके से जो ऑडिटर होता है कभी भी किसी भी समय वो कर सकता है, जब उसे लगेगा कि हाँ अभी मुझे ऑडिटिंग करनी चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी भी समय वो पूरी तरीके से इस टाइप के ऑडिट को कर सकता है। मतलब कंटिन्यूअस ऑडिट में कंपनी कभी भी किसी भी समय कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को, बुक्स को, ठीक है, बुक्स को एंड जितने भी वाउचर्स वगैरह होते हैं उन सभी की वेरिफिकेशन कर सकता है, क्लियर। और चालू अंकेक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमेशा होते रहते हैं, इससे कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये हमेशा मालूम चलता रहता है चालू अंकेक्षण में, और बहुत सारी कंपनियां इसको फॉलो भी करती हैं, क्लियर। बहुत सारी कंपनियां पूरे साल भर पे पूरे मतलब ऑडिट कवर करवाती हैं ऑडिटर से, ठीक है, अपना ऑडिट रिपोर्ट साल भर पे मांगती हैं ऑडिटर से, क्लियर। और बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो पूरे मतलब हर महीने हर हफ्ते ये कंटिन्यूअस ऑडिट चलता रहता है कंपनी में, क्लियर। तो ये होता है आपका चालू अंकेक्षण। ये बैलेंस शीट पूरी तरीके से अभी कंपनी का बिजनेस चल रहा है, कंपनी का बिजनेस अभी चल रहा है, अभी बैलेंस शीट तैयार ही नहीं हुआ है, क्लियर। उससे पहले ही कंटिन्यूअस ऑडिट होता रहता है, उससे पहले ही चलता रहता है, क्लियर। तो यही है आपका अंतिम खाते पूरे होने से पूर्व जो कंटिन्यूअस ऑडिट या ऑनगोइंग ऑडिट कहते हैं, क्लियर है डाउट, क्लियर। यहाँ पे हम बात करेंगे, दिस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यह निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं, यह प्रमुख उद्देश्य है। किसका प्रमुख उद्देश्य है, कौन डिसाइड करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी फायदे में चल रही है कि घाटे में चल रही है, तो ये ऑडिटर्स ही तो करता है, ऑडिट का ही तो मुख्य उद्देश्य रहता है,
ठीक है, ऑडिटर्स करता है, और ऑडिटर्स किसके थ्रू करता है, ऑडिट के थ्रू करता है, क्लियर। ऑडिटर्स जो होता है आपका अंकेक्षक जो होता है वही तो ऑडिट कवर करता है, तो ये ऑडिट का मुख्य उद्देश्य रहता है, क्लियर। ऑडिट में ही हम पूरी तरीके से देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका क्या वर्क होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं कंपनी में, ठीक है, कंपनी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, जितना भी बिजनेस होता है, ठीक है, चाहे वो सेल्स हो जितना बिजनेस में, जितना भी परचेज हो रहा है, उन सभी की अकाउंटिंग करना, उन सभी के अकाउंटिंग के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरी तरीके से तैयार करना, ठीक है। ये तो पूरा अकाउंटिंग का पूरा रूल मतलब अकाउंटिंग का पूरा हो गया पार्ट्स, ठीक है। अब क्या ये बैलेंस शीट सही से बना है, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही से फॉलो किया गया है, क्या इसमें कंपनी के एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, या क्या कैशियर ने जब जितना कंपनी का सेलिंग हुआ है क्या उसे कम दिखाया है सेलिंग को, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कैशियर, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी को धोखा तो नहीं दे रहा है, क्या कंपनी में जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट बनाई गई है क्या इसमें कोई मिस्टेक हुआ है किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर। तो इन सबको वेरीफाई करने का काम, इन सबको वैल्यूएशन करने का काम ऑडिट का होता है, ठीक है। ऑडिटिंग में हम पूरी तरीके से सीखते हैं, ठीक है, और ऑडिट करने का काम ऑडिटर्स करता है, तो ये ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर है डाउट आपके, डाउट क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, द राइट्स एंड पावर ऑफ एन ऑडिटर आर नॉट इंक्लूडेड कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनी अधिनियम 2013 में एक अंकेक्षक के अधिकारों और शक्तियों के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है, पूरी तरीके से क्या नहीं शामिल है, तो एक अंके मतलब पूरी तरीके से जो आपका है राइट टू कॉल जनरल मीटिंग, साधारण सभा बुलाने का अधिकार एक अंकेक्षक को नहीं शामिल है, उसके राइट्स, ठीक है, मतलब उसके राइट्स और उसके पावर के अंतर्गत नहीं आता है, क्लियर। कंपनी अधिनियम 2013 में पूरी तरीके से मेंशन है कि एक ऑडिटर्स का जितना भी राइट्स है, जितना भी उसका पावर है, उसके अंतर्गत वो पूरी तरीके से साधारण सभा नहीं बुला सकता है, क्लियर। तो ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए यहाँ पे बता दिया गया। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है एक नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द स्टेटमेंट ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट वॉज यूज इन, मतलब अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, इस कथन का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये लंडन एंड जनरल बैंक केस में पूरी तरीके से मेंशन था, लंडन एंड जनरल बैंक केस में पूरी तरीके से स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑडिटर्स को पूरी तरीके से मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, क्लियर। देन यहाँ पे हम बात करते हैं मे इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑडिट एंड प्रॉपर्टी ऑडिट, मतलब हम यहाँ पर बात करें निष्पत्ति अंकेक्षण मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट, औचित्य अंकेक्षण मतलब प्रॉपर्टी ऑडिट को सम्मिलित करते हैं, किसमें सम्मिलित करते हैं, तो इसे मैनेजमेंट ऑडिट में पूरी तरीके से इंक्लूड किया जाता है, क्लियर। परफॉर्मेंस मतलब कंपनी का पूरी तरीके से परफॉर्मेंस क्या है, क्लियर, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी क्या प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही है, क्या कंपनी ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण के लिए वर्क कर रही है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस कहता है कंपनी कैसा वर्क कर रही है, क्लियर, इन सबको देखा जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट में। एंड इन सब के साथ साथ प्रॉपर्टी ऑडिट पूरी तरीके से देखा जाता है, कंपनी का पूरी तरीके से कितनी कंपनी की प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी कितना एसेट्स है कंपनी का, करंट एसेट्स कितना है, ठीक है, फिक्स एसेट्स कंपनी की कितनी है, ये सब मैनेजमेंट ऑडिट में होता है। मैनेजमेंट ऑडिट में कंपनी के एम्प्लॉय पर भी पूरी तरीके से ऑडिटिंग किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी को लेकर, कंपनी के एम्प्लॉय कैसा वर्क कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी रेट कितनी है, मतलब कैसा वो वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पूरी तरीके से देखा जाता है, तो मैनेजमेंट ऑडिट में पूरी तरीके से सम्मिलित किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रॉपर्टी ऑडिट को, क्लियर। ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलिए यहाँ पे कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और लापरवाही के लिए दायित्व सम्मिलित है, मतलब लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस इंक्लूड, मतलब हम कह सकते हैं कर्तव्य भंग के लिए, मतलब कोई अगर आपको कार्य दिया गया आपने उसको सही से नहीं किया गया, क्लियर, आपने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं किया गया, तो ये कर्तव्य भंग में आएगा, मतलब पूरी तरीके से आपने अपनी लायबिलिटी को निभाया नहीं है। एंड लापरवाही मतलब आपको जो काम दिया गया आपने किया है लेकिन उसे बहुत ही नेग्लिजेंस तरीके से मतलब लापरवाही से आपने किया है, क्लियर, तो इस दायित्व के लिए सम्मिलित है, इसके लिए क्या होता है, इन्हें सिविल लायबिलिटी दीवानी दायित्व में पूरी तरीके से इसकी सुनवाई होती है, क्लियर, दीवानी दायित्व, क्लियर। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है मतलब किसी भी कंपनी में उसके एम्प्लॉय को लेकर या कंपनी के जितने भी बायर हैं, ठीक है, जितने भी कंपनी के बायर हैं जो कंपनी से माल खरीदते हैं और सेल करते हैं, उनके बीच में जो भी जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, क्लियर, तो उन सब में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो दीवानी लायबिलिटी में पूरी तरीके से आते हैं, सिविल लायबिलिटी में आते हैं। क्वेश्चन इज
द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ही ऑडिटर्स की पूरी तरीके से नियुक्ति की जाती है, ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, क्लियर। एंड यहाँ पे द चेंज नेम ऑफ द ऑडिटर्स बिहेवियर कमिटी इज, अंकेक्षक व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में आपके आते हैं, क्लियर। देन यहाँ पे अंकेक्षक व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, क्लियर। अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, ये अंकेक्षक व्यवहार समिति मतलब ऑडिटर्स बिहेवियर कमिटी का जो नाम चेंज हो गया है उसका नेम अब हो गया है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये नाम पूरी तरीके से चेंज हो गया है, क्लियर, एग्जाम में पूछा गया है। देन ऑर्गेनाइजेशन इन विच इलेक्टिव ऑडिट टेक्स प्लेस, वह संस्था जिसमें ऐच्छिक अंकेक्षण होता है, क्लियर। कहाँ पे होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकांकी व्यापार में, सिर्फ एकांकी व्यापार जहाँ पे एक ही बिजनेस पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, क्लियर, वो होता है आपका इलेक्टिव और मतलब ऐच्छिक अंकेक्षण वहाँ पर ही आपका होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही बिजनेस होता है, क्लियर। ऐच्छिक विचरण मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, ऐच्छिक अंकेक्षण, क्लियर। एंड देन जहाँ पे एकांकी व्यवहार होता है वहाँ पे आपका इलेक्टिव ऑडिट पूरी तरीके से होता है, क्लियर। देन यहाँ पे हम बात करें पूरी तरीके से अकाउंटिंग बिगिन वेयर, मतलब अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बुक कीपिंग पूरी तरीके से एंड होता है, बुक कीपिंग जहाँ पे पुस्तक पालन समाप्त होता है। पुस्तक पालन में आपका क्या जर्नल होता है, ठीक है, पुस्तक पालन में आपका पूरी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका सबसे पहले क्या जर्नल होता है, जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स आपका हो गया, सब्सिडरी बुक्स के बाद आपका कैश बुक, ये इन सब के साथ साथ लेजर, ये सभी आपके किस में होते हैं, ये सभी आपके बुक कीपिंग में होते हैं, क्लियर। एंड जब बुक कीपिंग जब ये पूरी तरीके से मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जर्नल में एंट्री होती है, सब्सिडरी बुक में एंड इन सब के कैश बुक में और लेजर में सभी के अकाउंट ओपन होते हैं, ये सभी बुक कीपिंग के पार्ट हैं। एंड बुक कीपिंग के बाद आपका क्या स्टार्ट होता है, आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, मतलब लेजर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आपका होता है, ठीक है, अकाउंटिंग में। तो इसका पुस्तक पालन जहाँ समाप्त हो वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ऑडिटिंग इज कंसिडर टू द ऑरिजिन ऑफ, और अंकेक्षण का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट बिगिन वेयर, अंकेक्षण वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से आपका अकाउंटिंग एंड, जहाँ से मतलब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। मतलब अभी तक क्या था, और अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग जब पुस्तक पालन पूरी तरीके से मतलब बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होता है, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है ऑडिटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑडिटिंग तो ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है, जब आपका पूरी तरीके से अकाउंटिंग पूरा फॉलो हो जाता है, मतलब जब तक आप जब आपका पूरा अकाउंटिंग खत्म हो जाता है तब आपका क्या चालू होता है, ऑडिटिंग चालू होता है, क्लियर। ऑडिटिंग जितने भी हमारे अकाउंटिंग में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, मतलब बैलेंस शीट कंपनी का पूरा तैयार हो जाता है, देन इस बैलेंस शीट को वेरीफाई और वैल्यूएशन करने के लिए हमारा क्या स्टार्ट होता है, ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो ये आपका राइट आंसर है। अंकेक्षण का तात्पर्य क्या है, मतलब ऑडिट मीन जितने भी हमारे बुक्स होते हैं, जितने भी हमारे अकाउंट चेक बुक्स ऑफ अकाउंट, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग बुक्स होती है उन सभी को चेकिंग करना, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना, उन सभी का वैल्यूएशन करना, यही हमारा क्या होता है, ऑडिट होता है, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडिटर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शुड बी, मतलब साझेदारी फर्म के अंकेक्षक होने चाहिए, साझेदारी फर्म के जो ऑडिटर्स होते हैं वो कोई एनी एलिजिबल पर्सन, कोई भी योग्य व्यक्ति बन सकता है। पार्टनरशिप के लिए दो व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, दो व्यक्ति अगर मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप की श्रेणी में आएगा, ठीक है, पार्टनरशिप में आएगा। अगर एक ही व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो पार्टनरशिप वहाँ नहीं होगा। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए पूरी तरीके से कोई भी योग्य व्यक्ति, मतलब उन्हीं दोनों लोगों में से कोई भी एक, ठीक है, ऑडिटर्स बन सकता है, क्लियर, कोई भी योग्य व्यक्ति, ठीक है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं पार्टनर अपना पार्टनरशिपिंग में सभी बिजनेस कर रहे हैं, सभी पार्टनर आपस में, वो किसी भी योग्य व्यक्ति को ऑडिटर्स अपने यहाँ नियुक्त कर सकते हैं, जितने भी पार्टनरशिपिंग में जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, ठीक है, उन सभी को वेरीफाई वेरीफिकेशन करने के लिए कोई भी ऑडिटर को नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी योग्य व्यक्ति को।
22 नंबर क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज, मतलब किसी साझेदारी फर्म के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है स्पॉटिंग इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियाँ तथा कपटों को खोजना। जितनी भी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी अकाउंट ओपन किए गए हैं, क्लियर, चाहे इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, क्लियर, ये सभी जितने भी पार्टनरशिप है उन सभी के अकाउंट्स, ठीक है, अलग अलग अकाउंट, ठीक है, उसमें जितने भी मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट को लेकर, ठीक है, सभी के प्रॉफिट को लेकर, सभी के सैलरी को लेकर जितने भी फ्रॉड किए गए हैं, ठीक है, उन सभी को पूरी तरीके से खोजना, जांचना, वेरिफिकेशन करना, ये आपका क्या पूरी तरीके से, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म में अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है, क्लियर। देन यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरिम ऑडिट रिक्वायर्ड, आंतरिक अंकेक्षण आवश्यक होता है। तो आंतरिक इंटर्न मतलब इंटरिम ऑडिट किस लिए किया जाता है? इंटरिम ऑडिट आंतरिक लाभांश की घोषणा हेतु किया जाता है, फॉर डिक्लेरिंग ऑफ द इंटरिम इंटरिम डिविडेंड के लिए, पूरी तरीके से आंतरिक लाभांश मतलब एक आंतरिक लाभांश मतलब इंटरनल जितना भी डिविडेंड है उसकी घोषणा के लिए किया जाता है, क्लियर। देन यहाँ पे हम बात करेंगे वह संगठन जिसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ऑडिट इज मैंडेटरी। तो जितनी भी हमारी जितनी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वहाँ पे ऑडिट वर्क होता है। सार्वजनिक निगम के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी ऑडिट का वर्क किया जाता है। एंड किसी भी कंपनी के लिए भी ऑडिट वर्क मस्ट होता है। ऑडिट का कार्य काम जो होता है वो कंपनी का जो ओनर होता है वो अपनी सेल्फ इच्छा से भी करता है, गवर्नमेंट के कहने पे भी उसे ऑडिट वर्क अपने आप करवाना पड़ता है, ठीक है। नहीं, अगर वो अपने आप ऑडिट वर्क करवाएगा तो उसे सरकार द्वारा पूरी तरीके से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्लियर। देन यहाँ पे हम बात करेंगे पीरियड ऑफ ऑडिट इज यूजफुल, सामयिक अंकेक्षण उपयोगी। सामयिक अंकेक्षण किस लिए किया जाता है? देखिए, जिस व्यवसाय में गहन जांच की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पे हम पूरी तरीके से आपका पीरियोडिक ऑडिट किया जाता है, बिकॉज दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ड्यू डिलीजेंस। जहाँ पे पूरी तरीके से गहन जांच की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे आपका पीरियोडिक ऑडिट किया जाता है, क्लियर। तो जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से ज्वाइन है, ठीक है, आप सभी अपनी क्लासेस कंटिन्यू ऐसे बनाए रखें, देखते रहिए, ठीक है। एंड देन जितने भी स्टूडेंट आज के इस क्लास में इतना ही, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है जिनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉमर्स एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जामों में आपके आते हैं, ठीक है। अपने एग्जाम में सफलता के लिए, अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए, अपने एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आप सभी लोग हमारे पेड बैच से जरूर ज्वाइन होइए। पेड बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना, रजिस्टर करना है, देन वहाँ से आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। एंड देन जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं आप जल्दी से हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस रन कर रही हैं पूरी अच्छी तरीके से, क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।